कहोगे कि ट्रांसलेशन तो बहुत शानदार बना, तो इसी तरह से और ट्रांसलेशन बनेगा कैसे? अब देखो, टुडे हम लिख देंगे आज, और मोस्ट लिख देंगे अधिकांश। अधिकांश आप कहोगे आप तो ये पहले क्यों लिख दिए, तो मैंने कहा एडवर्ब है, एडवर्ब को आप पहले लिख सकते हो, अधिकांश। अब देखो अमेरिकन, ये हो गया सब्जेक्ट, क्यों सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वुड है, तो जब भी इज एम आर वाच वेयर हैव हैज हैड कैन कुड वुड शुड मे माइट नीड डेयर मस्ट विल शैल अगर रहता है तो उसके पहले जो रहता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया अमेरिकन, मतलब अमेरिका के लोग। वंस पीपुल और गार्लिक अराउंड देयर नेक्स टू वार्ड ऑफ डिजीज, टूडे मोस्ट अमेरिकन वुड स्कॉफ एट द आइडिया ऑफ वियरिंग अ नेकलेस ऑफ गार्लिक क्लोव्स टू इनहेंस देयर वेल बींग। वंस एडवर्ब है, पीपुल नाउन है, और वर्ब है, गार्लिक नाउन है, अराउंड प्रीपोजिशन है, देयर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में पजेसिव एडजेक्टिव है, नेक्स्ट नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, और वर्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब है, और यहाँ इन्फिनिटिव वर्ब बना है, डिजीज नाउन है, और ये फुल स्टॉप है, यहाँ पर सेंटेंस होता है ख़त्म। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग ट्रांसलेशन के उल्टा पुल्टा पार्ट वन में इंग्लिश टू हिंदी को देखेंगे, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये SSC 2022 में पूछा गया, SSC CGL में पूछा गया ये क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को मैंने नहीं दिया है, ये अनसीन पैसेज है, और पैसेज से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए पूछा था, लेकिन मैं केवल ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा, आप ना एंटोनिम्स कर पाओगे, ना सिनोनिम्स कर पाओगे, ना इडियम्स फ्रेज कर पाओगे, और ना तो उससे जुड़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई भी चीज़ आप बता पाओगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि इंग्लिश टू हिंदी को ट्रांसलेट करना, और ये ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा आज मैं आपको बताऊँगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ड्स को कैसे पहचानोगे कि ये वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच और पोजीशन के हिसाब से क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। टुडे ये भी एडवर्ब है, मोस्ट ये भी एडवर्ब है, अमेरिकन नाउन है, वुड वर्ब है, स्कॉफ एट ये भी वर्ब है। तो जब दो वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ रहते हैं तो वुड स्कॉफ एट को वर्ब फ्रेज कहेंगे, फ्रेजल वर्ब नहीं। द आर्टिकल है, आइडिया नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, वियरिंग ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसे वर्बल नाउन कहेंगे, ए आर्टिकल है, नेकलेस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, गार्लिक नाउन है, क्लोव्स। अब यहाँ देखो, यहाँ ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे जो एडजेक्टिव है इसको नॉमिनेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, नॉमिनेटिव यूज बोलेंगे, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। टू प्रीपोजिशन है, इनहेंस वर्ब है, लेकिन यहाँ एज ए इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये नाउन है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, वेल बीइंग ये भी नाउन है, और कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये कैसे नाउन है, कैसे वर्ब है, कैसे एडजेक्टिव है, इसको हम समझेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखो वंस एडवर्ब क्यों है, क्योंकि पीपुल और गार्लिक अराउंड देयर नेक्स टुवर्ड ऑफ डिजीज। अब यहाँ तक सेंटेंस ख़त्म होता है, और पूरे सेंटेंस का जो एक्सप्लेन कर रहा है, जो क्वालिफाई कर रहा है, वंस कर रहा है। वंस मतलब होता है एक बार। तो एक बार एक राजा रहता था, एक बार ये एक व्यापारी के घर में चोरी हो गया, एक बार मैंने तुमको देखा था। तो एक बार जो बता रहा है ना, वो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि जो एडवर्ब होता है वह पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है,
या तो फिर वर्ब को क्वालिफाई करता है, या तो फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या तो फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि प्रीपोजिशन कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब है कि ये एडवर्ब है, पीपुल जो है ये नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन है, अगर आप ध्यान दोगे और मानोगे तो इसको कलेक्टिव नाउन मानोगे, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में प्लूरल है। अब और ये वर्ब है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वियर मीन्स होता है पहनना, और मीन्स पहनते थे। तो ये इसका मतलब है कि ये वर्ब का जो फॉर्म है ये बता रहा है कि दिया गया जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट में है। गार्लिक नाउन क्यों है, गार्लिक मीन्स होता है लहसुन, और लहसुन का मतलब है कि जो चीज़ आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, और लहसुन तो खा भी सकते हो भाई, तो जब खा सकते हो तो ये है नाउन और ये है मटेरियल नाउन। अराउंड ये प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर नाउन है ना, नाउन के पहले लगा हुआ है, और ये जो गार्लिक है, इस गार्लिक की विशेषता, इस गार्लिक को रिलेट कर रहा है नेक्स्ट से, यानी कि देयर माने अपने और नेक्स्ट माने गर्दन, तो अपने गर्दन, अपने गले, गला भी बोल सकते हो, तो अपने गले में लहसुन और पहनते थे। अभी मैं अर्थ बता रहा हूँ। देयर जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि जो नेक्स है यानी कि जो गला है, इन गले की विशेषता को बता रहा है कि अपने गले में, जैसे मेरा भाई, तुम्हारा भाई, होता क्या है कि जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं ना, तो पापा को, जो पिताजी हैं उनको कहते हैं हमारे पापा हैं, हमारे पापा हैं, और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो पापा के कहते हैं तुम्हारे बाप नहीं है, तुम नहीं एक दिन खिला सकते हो, तो सोच लो मेरे पापा, मेरे पापा, यानी कि पोजेशन को मैं बता रहा हूँ, अधिकार को बता रहा हूँ, तो माई पोजेसिव एडजेक्टिव, तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा, तुम्हारे पोजीशन को बताया जा रहा है, तो जब तुम्हारे पोजीशन को बताया जा रहा है तो तुम्हारा यानी कि योर, ये भी एडजेक्टिव है लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो माई, योर, देयर, हर, हीज, ये जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है। और नेक जो है ये गला है, ये गला है, तो इसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस करते हो, चाहो तो दबा भी सकते हो, तो जब दबा दोगे तो ये नाउन बन जाएगा, नहीं दबाने पर नाउन नहीं बनेगा, मतलब जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो सब के सब नाउन है। अब टू, टू प्रीपोजिशन है, क्यों प्रीपोजिशन है, देखो जो वर्ड ऑफ है ना, ये वर्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब से पहले यानी कि जो भी वर्ब, अगर एक वर्ब आप फॉर्म में लगाए हो कहीं भी, तो दूसरा वर्ब जब आप लगाते हो ना, तो उसको सेंटेंस में कहीं भी लगाओगे तो आप या तो उसको जीरंड फॉर्म में रखो या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में रखो। जीरंड फॉर्म लगाओगे तो बाई लग सकता है, फ्राम लग सकता है, विथ लग सकता है, आफ्टर लग सकता है, बिफोर लग सकता है, लेकिन जब इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में कहीं भी दोगे, वर्ब के स्थान पर ना रहे वो, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब के स्थान पर ना रहे, तो फिर इन्फिनिटिव फॉर्म बना सकते हो, इन्फिनिटिव फॉर्म। तो टू वार्ड ऑफ, ये है तो वर्ब लेकिन यहाँ एज ए नाउन का काम कर रहा है। अब डिजीज, डिजीज मतलब होता है बीमारी, और बीमारी जो है ये भी नाउन है, और कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टुडे, आज, कल, परसों, नरसों, एडवर्ब ऑफ टाइम है। मोस्ट, अधिक, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, तो ये एडवर्ब है। और ये कामा क्यों लगा है, देखो जब हम किसी भी एडवर्ब को, अनवांटेड एडवर्ब, अननेसेसरी एडवर्ब को सेंटेंस में रखते हैं, तो उसको कामा से हम बाहर रखते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड जब अब आ, जब आप अनवांटेड वर्ब, अनवांटेड वर्ड लाना चाहते हो किसी सेंटेंस में, तो उसको दोनों तरफ से कामा से घेर दिया जाता है, जैसे नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन हम यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके घर में कोई बाहरी चीज़, बाहरी व्यक्ति आता है, तो आप अपने बेडरूम में नहीं ले जाते हो, उसको बाहर ही रखते हो जहाँ पर गेस्ट रूम होता है। उसी तरह से अनवांटेड जितने भी एडवर्ब आएंगे या कोई वर्ड आएगा, तो उसको हम कामा से दोनों तरफ से घेर देते हैं। तो इस मोस्ट को अनवांटेड लाया गया है, इसलिए इस मोस्ट को घेरा गया है, ना कि टूडे को घेरा गया। टूडे तो नेसेसरी था,
मतलब आप प्रॉपरली कह सकते हो कि ये प्रॉपरली लग सकता है, लेकिन मोस्ट जरूरत नहीं था यहाँ, तो जब जरूरत वाला वर्ड नहीं होता है तो इसको दोनों तरफ से कामा से घेर दिया जाता है। जैसे राम द सन ऑफ दशरथ वाज किंग ऑफ अयोध्या, तो राम को सब लोग जानते हैं, आपको सन ऑफ दशरथ लिखने की जरूरत थी नहीं, तो सन ऑफ दशरथ को दोनों तरफ से कामा से घेर देंगे। ठीक है, अब अमेरिकन का मतलब हो गया अमेरिका के रहने वाले लोग, तो इसका मतलब ये नाउन है, और कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। वुड, वुड जो है ये वर्ब है, और स्कार्फ क्यों वर्ब है, देखो जितने भी ये वर्ब है ना, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में कौन कौन आते हैं, कैन, कूड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, यूज टू और विल सेल, ये मॉडल वर्ब में है। स्कार्फ एट का मतलब होता है कि ये वर्ब है, कैसे वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा हुआ है, तो स्कार्फ एट मीन्स होता है मजाक उड़ाना, तो वो वर्ब है। अब देखो द आर्टिकल है, ये तो दुनिया जानती है। अब आइडिया, आइडिया का मतलब विचार, और विचार को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, वियरिंग ये वर्ब है, वर्ब से बना हुआ नाउन है, और इसके पहले ऑफ लगा है प्रीपोजिशन, तो आइडिया ऑफ वियरिंग यानी पहनने का विचार, तो जो ऑफ है ना वो नाउन और इस नाउन दोनों के बीच के रिलेशन को बता रहा है, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन है। ए आर्टिकल है एक, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। नेकलेस, नेकलेस मीन्स होता है माला, हार, अगर लड़कियां हैं या औरत हैं आप देख रहे हैं तो ये आप जान पाओगे नेकलेस क्या होता है, जिसको जो सोने का या हीरे का बना होता है, जिसके लिए औरतें अपने पति को भी छोड़ सकती हैं, तो ये नेकलेस, नेकलेस मीन्स हार होता है। ऑफ प्रीपोजिशन है गार्लिक, नाउन मैंने बताया है, क्योंकि नाउन गार्लिक और नेकलेस नाउन, दो नाउन के बीच में या नाउन के पहले लग करके दोनों शब्दों के बीच के रिलेशन को बताएगा, तो प्रीपोजिशन होगा। क्लोव्स, अब देखो क्लोव्स मीन्स होता है लॉन्ग, तो लॉन्ग जो होता है वो नाउन है और ये भी नाउन है, तो दो नाउन एक साथ कैसे, तो फिर इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। टू इनहेंस, इनहेंस मीन्स होता है बढ़ाना, और टू इनहेंस इसका मतलब बढ़ाने के लिए, ये फ्रेजल वर्ब है, सॉरी इन्फिनिटिव वर्ब है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, वेल बींग मीन्स होता है भलाई, भलाई को हम इन्वोलेंस भी कहते हैं। अब देयर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि नाउन के पहले लगा हुआ है और लग करके उनकी भलाई यानी कि उनके पिताजी, उनकी माताजी, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसका अर्थ निकालेंगे कैसे, अर्थ निकालने में उल्टा पुल्टा नियम को हम फॉलो करेंगे, जो बहुत ही शानदार फार्मूला है, और इसको कैसे करते हैं, सेंटेंस देख लीजिए ख़त्म कहाँ होता है, और फिर सब्जेक्ट को देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट मिलेगा आपको ये वर्ब है, वर्ब से पहले जो वर्ड रहता है या जो फ्रेज रहता है उसी को अजय हम सब्जेक्ट मानते हैं, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है जो किसी सेंटेंस में कार्य को करता है, तो कार्य करने का काम या जिसके बारे में बताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये पीपुल सब्जेक्ट है। अब ये वंस एडवर्ब है, तो आप इसको लिख देंगे वंस मीन्स एक बार, एक बार, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं एक बार की बात है। पीपुल, पीपुल लिख दोगे आप कि लोग, लोग। अब का क्या करना है आपको, अब आपको आ जाना है सबसे पीछे, सबसे पीछे सेंटेंस में सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट का मतलब है कि आप उस वर्ड के हिंदी लिखना शुरू करेंगे, उस वर्ड का हिंदी लिखना शुरू करेंगे एक किनारे से, तो ये सेंटेंस अपने आप बिल्कुल सही हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है उल्टा पुल्टा, जय हो उल्टा पुल्टा मैंने रखा है। उल्टा पुल्टा रखने से क्या फायदा होगा कि हमें याद रहेगा, हम उल्टा आते जाएंगे, ट्रांसलेशन बनता जाएगा, बशर्ते कि मीनिंग हमारा तैयार होना चाहिए। इसमें मैं आपको सिनोनिम्स बताऊंगा जिन वर्ड की जरूरत रहेगी उन वर्ड्स की। देखो डिजीज मीन्स होता है बीमारी, बीमारी को हम इलनेस भी कह सकते हैं और मैलेडी भी कह सकते हैं, मेलोडी नहीं मैलेडी।
ऑफ, ये वार्ड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, वार्ड ऑफ मीन्स होता है, वार्ड ऑफ मीन्स होता है से बचना, से बचना, से बचना का अंग्रेजी होता है रिपेल, रिपेल, रिपेल मीन्स होता है से बचना। और एक वर्ड है रिकैप्चर, रिकैप्चर मीन्स भी होता है से बचना, रिकैप्चर, है ना। तो रिपेल मीन्स बचना, रिकैप्चर मीन्स बचना, टू वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ मीन्स बचना। नेक्स्ट मीन्स होता है गर्दन, जिसको नेक बोलते हैं, देयर अपने होता है, अराउंड के चारों ओर होता है, अराउंड को हम राउंड भी बोल सकते हैं, राउंड मीन्स भी होता है के चारों ओर। गार्लिक मीन्स लहसुन होता है, लहसुन आप खाए ही होंगे, बिना खाए काम चलेगा नहीं, लहसुन। और वियर मीन्स पहनना होता है, पुट अप, पुट अप मीन्स भी पहनना होता है। और पीपुल मीन्स लोग होते हैं, लोग का मतलब फाक होता है। और वंस माने एक बार होता है, एक मर्तबा होता है, और एक जमाने में भी होता है, एक जमाने में। और वंस को हम वन डे भी लिख सकते हैं। अब देखो, आ जाओ किनारे से, एक बार या एक जमाने में, यहाँ अगर मैं लिख दूँ एक जमाने में, एक जमाने में पीपुल लिख दिए, उल्टा आ जाओ, यानी कि डिजीज़, यानी कि बीमारी, बीमारी हम लिखेंगे बीमारी। और वार्ड ऑफ माने होता है बचना, से बचना, रिपेल, तो से बचना। और टू भी दिया है, तो टू जब भी वर्ब के साथ आएगा तो इसका मतलब होता है के लिए, के लिए या को। तो हम लिखेंगे बीमारी से बचने के लिए, बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए। अब यहाँ देखो, अब आ जाओ, उल्टा आ रहे हो आप, उल्टा आते जाओ। देयर नेक्स, यानी कि अपने गले, देयर माने हो जाएगा अपने, और नेक्स माने हो जाएगा गले, नेक्स मीन्स हो जाएगा गले। और अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, के चारों ओर, के चारों ओर, गले के चारों ओर, यानी कि गले के चारों ओर का मतलब में, गले के चारों ओर का मतलब गले में। अब गार्लिक का मतलब हो जाएगा लहसुन, लहसुन। और ओर पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और जब भी पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो हम लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या ई ए में से कोई एक जो पसंद पड़े, जैसे बफर सिस्टम में आप जो पसंद पड़ता वही खाते हो ना, उसी तरह से इसमें में पास्ट इंडिफिनिट रहे तो ता था, ती थी, ते थे या ई ए, आप उस हिसाब से लगा सकते हो। तो हम लिखेंगे पहनते थे, फुल स्टॉप। अब देखो, एक जमाने में लोग बीमारी से बचने के लिए अपने गले के चारों ओर नहीं बोलेंगे, अपने गले में लहसुन पहनते थे। अब कहोगे कि ट्रांसलेशन तो बहुत शानदार बना, तो इसी तरह से और ट्रांसलेशन बनेगा कैसे। अब देखो, टुडे हम लिख देंगे आज, और मोस्ट लिख देंगे अधिकांश, अधिकांश। आप कहोगे आप तो ये पहले क्यों लिख दिए, तो मैंने कहा एडवर्ब है, एडवर्ब को आप पहले लिख सकते हो, अधिकांश। अब देखो, अमेरिकन, ये हो गया सब्जेक्ट, क्यों सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वुड है, तो जब भी इज, एम, आर, वाच, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, विल, शैल अगर रहता है तो उसके पहले जो रहता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया अमेरिकन, मतलब अमेरिका के लोग, अमेरिकन मतलब अमेरिका के लोग, इंडियन मतलब इंडिया के लोग, चाइनीज मतलब चाइना के लोग, नेपालीज मतलब नेपाल के लोग। तो अमेरिका के लोग, अमेरिका के लोग, ठीक है। अब आपको देखना है कि सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो सेंटेंस तो भाई यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो अमेरिकन वुड स्कार्फ,
at the idea of wearing necklace of garlic cloves to enhance their well-being. अब देखो सब ये वुड है, वुड मतलब आप गा गी गे भी लगा सकते हो और ता था ती थी ते थे भी लगा सकते हो। वुड को थोड़ा सा समझना हल्का सा कठिन है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो हो जाएगा। कैसे? वुड जो होता है पास्ट हैबिट एक्शन को बताता है। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, मेरी आदत थी, तो आई वुड प्ले क्रिकेट मैच इन माई चाइल्डहुड, तो ये हो गया। दूसरा गागी गे कब लगता है? जब प्रिंसिपल क्लाज पास्ट में होता है तो जो सब क्लाज हम यूज करते हैं, अगर गागी गे आना है तो हमको वुड लगाना पड़ेगा। जैसे जब मैं दिल्ली में रहता था तो मैंने सोचा कि मैं एक कार खरीदूं गा, तो यहाँ गा का अंग्रेजी वुड होगा, क्योंकि जो और सेंटेंस हैं प्रिंसिपल क्लाज हैं वो पास्ट में हैं, तो फिर जो सब क्लाज आप लगाओगे गागी गे के लिए वो वुड का प्रयोग करोगे। इसी तरह से फ्यूचर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई बातें फ्यूचर में होती है और फिर फ्यूचर से और फ्यूचर में आप जाते हो तो वुड का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ किसका प्रयोग करेंगे अभी हम लोग जान लेते हैं। स्काफ एट मीन्स होता है मजाक उड़ाना, स्काफ एट मीन्स मजाक उड़ाना, और लाफ एट मीन्स भी होता है मजाक उड़ाना, लाफ एट। देखो यहाँ तक जो आप पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो तो आप महान हो, बाकी लोग क्लिक किए होंगे, छोड़ दिए होंगे, चले गए होंगे। बाबा पढ़ा रहा अंग्रेजी तो एक बार क्लिक करेंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। लेकिन आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप में वो जुनून है पढ़ने का, वो कुछ करने का जुनून है, अफसर बनने का ख्वाब है, सपने हैं, बनोगे। ध्यान देने की ज़रूरत है, इससे भी पढ़ो, किताबों का अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करो। रोज़ाना मैं नहीं कहता हूँ, मैं भाषण नहीं देता हूँ, केवल पढ़ाता हूँ, तो ये ध्यान दो। इनहेंस सॉरी स्काफ एट मीन्स होता है मजाक उड़ाना, आइडिया मीन्स होता है विचार, जिसे हम थॉट भी कह सकते हैं, और वियरिंग मीन्स होता है पहनना, पहनावा, जिसको हम ड्रेस भी कह सकते हैं। नेकलेस मीन्स हार होता है, जिसको हम गारलैंड भी कह सकते हैं। आफ काकी के होता है, तो ये प्रीपोजिशन है जिसमें काकी के आए आप लगा सकते हो गार्ली। क्लोब्स मीन्स लॉन्ग होता है, और लॉन्ग का अंग्रेजी ग्रेनाडाइन भी होता है। टू इनहेंस मीन्स बढ़ाना होता है, तो ग्रो मीन्स भी बढ़ाना होता है, डेवलप मीन्स भी बढ़ाना होता है। देयर मीन्स अपने होता है, तो अपने की अंग्रेजी बहुत होता है, माई होता है, योर होता है, आवर होता है, लेकिन यहाँ देयर लोगों के लिए लगाया गया है, अपने तो अपना। वेल बीइंग मतलब भलाई है, भलाई को हम हेल्प भी कह सकते हैं। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो आज अधिकांश हमने लिख लिया और अमेरिका के लोग। अब आ जाएंगे उल्टा, अब उल्टा यहाँ से चलोगे तो वेल बीइंग देयर यानी कि अपनी भलाई के लिए क्या लिखेंगे, अपनी भलाई है। देयर माने अपनी, वेल बीइंग माने भलाई के लिए नहीं। अब यहाँ देखो टू इनहेंस, इनहेंस मीन्स होता है बढ़ाना और टू माने के लिए, तो अपनी भलाई को इनहेंस बढ़ाने के लिए। अब देखो मैंने पहले भी बता दिया है टू मतलब के लिए भी हो सकता है, टू मतलब को भी हो सकता है, टू मतलब काकी के और नानी ने भी हो सकता है। तो अपनी भलाई को बढ़ाने के लिए, अपनी भलाई को ठीक करने के लिए गार्लिक क्लोव्स, क्लोव्स यानी कि लहसुन, लहसुन के लौंग, लौंग का मतलब माला जैसे है ना, या लहसुन का जो जवा नहीं होता है, लहसुन जब ये बड़ा सा होता है तो जब लहसुन को आप फोड़ोगे तो उसमें लौंग जैसा मतलब जवा जिसे बोला जाता है उसको हम क्लोव्स कहते हैं। तो लहसुन के लौंग यानी कि जवा, लौंग ये को नहीं होगा का होगा, लौंग का। अब नेकलेस मीन्स होता है हार, हार का मतलब होता है माला है ना, माला, लहसुन के लौंग का। अब देखो ए है ना, तो एक
का एक हार, हार का मतलब हो जाएगा गार्लैंड, माला, वियरिंग ऑफ आइडियाज, लॉन्ग, पहनने का विचार या पहनने के लिए या पहनाई, तो पहनने का, अब द आइडिया का मतलब वह विचार, वह विचार, वुड, वुड स्कार्फ एट, अब वुड जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट मैच इन माय चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्रिकेट मैच खेला करता था, तो इसी तरह से ये हो जाएगा कि पहनने का वह विचार, वह विचार, अब स्कार्फ एट का मजाक उड़ाया करते थे, वह विचार या उस विचार कह सकते हो, उस विचार का मजाक उड़ाया करते थे, उड़ाया करते थे। तो देखो ट्रांसलेशन कितना शानदार बना होगा कि एक ज़माने में लोग बीमारी से बचने के लिए अपने गले के चारों ओर यानी कि गले में लहसुन पहनते थे, लेकिन आज क्या हुआ है, अधिकांश अमेरिका के लोग अपनी भलाई को बढ़ाने के लिए लहसुन के लौंग का एक हार पहनने का उस विचार का मजाक उड़ाया करते थे। यानी कि पहले तो लोग पहनते थे, लेकिन आज जो कि बीमारियों से बचने का एक नुस्खा था, भलाई थी, उसका अब लोग मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन ये दिया है टुडे, तो टुडे का मतलब आज, मजाक उड़ाया करते थे मतलब आज कल, या एक ज़माने में भी कह सकते हो, एक ज़माने में एक बार लोग मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वंस का जो सिनोनिम्स होता है वो टुडे भी होता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये जो टुडे है, जैसे जब टुडे रहता है तो सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, है ना, लेकिन इसीलिए इस टुडे को बिल्कुल कामा से अलग कर दिया गया है कि इस सेंटेंस पर प्रभाव ना डाल पाए। तो इसका मतलब है कि टुडे का मतलब एक ज़माने में भी हो सकता है, और वंस मीन्स भी एक बार हो सकता है एक ज़माने में, टुडे मीन्स भी हो सकता है कि टुडे मीन्स वैसे आज ही होता है, आज कल होता है, तो आज कल इसीलिए इसको अलग रख दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि मजाक उड़ाया करते हैं, ये मजाक उड़ाया करते हैं, इस तरह का सेंटेंस। देखो एक चीज़ मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो उड है, अब चूंकि जो एडवर्ब है ये प्रेजेंट का एडवर्ब है या फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है, तो इसको हम पास्ट में नहीं कर सकते। अगर देखो आपको एडजस्ट होता है तो कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, तो हम इसको बोलेंगे उड़ाया करेंगे या उड़ाएंगे कर लेंगे, यानी कि आज लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। किस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे, कि लहसुन के जौ का हार पहनने का उस विचार का लोग आजकल या इस समय अमेरिका में मजाक उड़ाएंगे। पहले लोग उसको पहना करते थे, अपने गले में लहसुन पहना करते थे, लेकिन आज अपनी भलाई को बढ़ाने के लिए, अपनी भलाई को रखने के लिए लहसुन के लौंग का हार पहनने के उस विचार को लोग मजाक उड़ाएंगे, यानी कि उड़ माने गा घी गे भी होता है। नेक्स्ट पार्ट इसमें जो है उसको देखते हैं, हाउ एवर यू माइट फाइंड अ नंबर ऑफ अमेरिकन्स विलिंग टू इंजेस्ट कैप्सूल्स ऑफ पुलवराइज्ड गार्लिक और अदर हर्बल सप्लीमेंट्स इन द नेम ऑफ हेल्थ। अब देखो हाउ एवर, फिर भी ये एडवर्ब है, यू प्रोनाउन है, माइट वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और फाइंड मेन वर्ब है, तो ये दोनों मिलके ये आर्टिकल है, नंबर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, अमेरिकन्स नाउन है, और ये नंबर ऑफ अमेरिकन्स ये पूरा मिलकर के कलेक्टिव नाउन है, एक इसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन है। विलिंग मीन्स है इच्छा, ये वर्ब है, सॉरी ये नाउन है, और टू प्रीपोजिशन है, इंजेस्ट ये वर्ब है, लेकिन इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है इसलिए ये
नाउन हो गया और इसको वर्बल नाउन बोलेंगे। कैप्सूल्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पुलवराइज्ड गार्लिक ये नाउन है और ये पुलवराइज्ड लहसुन है, सॉरी पुलवराइज्ड ये एडजेक्टिव है। पुलवराइज्ड मीन्स होता है चूरन, चूड़, जिसको हम एज पाउडर बोल सकते हैं। आर अथवा ये कंजक्शन है। अदर हर्बल, अदर एडजेक्टिव है, हर्बल नाउन है, नाउन के पहले लगा हुआ है और दूसरा हर्बल दूसरा जड़ी बूटी बता रहा है, इसलिए जड़ी बूटी की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। सप्लीमेंट्स मतलब होता है पूरक, या सप्लीमेंट्स मीन्स होता है संयोजन, सप्लीमेंट मीन्स होता है मेल, जिसे हम बोलेंगे मैच। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, नेम नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य नाउन है। अब देखो, और ये जो गोल का है ना, ये फुल स्टॉप है। अब इसका जब अर्थ हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हाउएवर फिर भी एडवर्ब है, हम पहले लिख देंगे फिर भी। यू माइट फाइंड, देखो माइट मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है, यानी कि कम संभावना के लिए। वैसे इस माइट का प्रयोग कब किया जाता है, जब प्रिंसिपल क्लाज पास्ट में हो और सब क्लाज, ये सब क्लाज है क्योंकि यहाँ कंजक्शन लगा हुआ है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है लेकिन ये कंजक्शन भी काम करता है, ये सब क्लाज है। तो सब क्लाज, चूँकि ये कंजक्शन यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि फुल स्टॉप जो आपने सेंटेंस देखा था पिछला, तो फुल स्टॉप था, तो ये एडवर्ब है, लेकिन ये क्लाज मेन क्लाज जो पहले के क्लाजेस दिए हैं, जो सेंटेंसेस दिए हैं, वो पास्ट में है तो बीच में प्रेजेंट में नहीं होता है। इसका मतलब जब भी पास्ट में लिखना होता है, सकना, सकता है, सकती है, सकते हैं, तो हम उसको माइट का प्रयोग कर सकते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यू माइट फाइंड, तुम पा सकते हो फिर भी, तो सब्जेक्ट मिला यू, तो हम लिख देंगे तुम। अब हमको तुम लिख करके ये नहीं लिखना है, अब लास्ट में आ जाना है। अब प्रीपोजिशन देख लो आप कहाँ कहाँ है, नेम ऑफ हेल्थ, इन द नेम ऑफ हेल्थ, और जहाँ जहाँ प्रीपोजिशन है उसी जो है उसी को आप अंडरलाइन कर लो और फिर वहाँ से लिखते हुए चले जाओ। तो हेल्थ है यानी कि स्वास्थ्य, तुम स्वास्थ्य, अब ऑफ काकी के नाम, इन नाम पर, देखो इन माने पर भी होता है या और में तो होगा नहीं, नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर। सप्लीमेंट्स मतलब संयोजन, संयोजन समझ रहे हो ना, अवयव जिसे कंपोनेंट कहेंगे, यानी कि संयोजन और हर्बल संयोजन है और अदर हर्बल संयोजन है। तो देखो ये सप्लीमेंट, हर्बल और अदर, इन तीनों के बीच में कहीं प्रीपोजिशन नहीं है, तो प्रीपोजिशन नहीं है तो ये तीनों जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। जैसे मान के चलो हमने अगर ये लिख दिया प्रवीण कुमार त्रिपाठी, अगर ऐसे लिख दिया हमने, तो ये देखो इन तीनों के बीच में प्रीपोजिशन तो लगा नहीं है, इसलिए तीनों को हम लगातार बोलेंगे प्रवीण कुमार त्रिपाठी। उसी तरह से अदर हर्बल सप्लीमेंट्स हम एक बार में बोलेंगे, यानी कि ये संयोजन नहीं लिखेंगे, नाम पर दूसरे हर्बल का मतलब होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, या हम जड़ी बूटी भी कह सकते हैं, दूसरे प्राकृतिक नहीं लिखेंगे, जड़ी बूटी ही लिखेंगे, जड़ी बूटी। अब देखो सप्लीमेंट्स है, इसका मतलब संयोजनों, दूसरे जड़ी बूटी संयोजनों यानी कि मिलावटों, संयोजनों या मिलावटों, संयोजनों या आर मीन्स या। अब देखो पुलवराइज्ड गार्लिक, पुलवराइज्ड मीन्स होता है चूड़ पाउडर, यानी कि चूड़ लहसुन, यानी कि लहसुन का चूरण, यानी कि चूड़ लहसुन। अब आफ मीन्स काकी के, तो के। कैप्सूल्स मीन्स होता है पॉल्स, कैप्सूल को हम कैप्सूल ही लिखेंगे जो इतना बड़ा होता है। और इंजस्ट, इंजस्ट मीन्स होता है निगलना,
तो इंजेस्ट क्या, कैप्सूल को निगलने के लिए, यानी कि लहसुन के कैप्सूल्स, कैप्सूल को निगलने के लिए, या लहसुन कैप्सूल बोल सकते हो, निगलने के लिए, निगलने के लिए, या निगलने के लिए, और विलिंग माने होता है इच्छा, निगलने की इच्छा, इच्छा। अब फाइंड पा सकते हो, लेकिन उसके पहले ये नंबर ऑफ अमेरिकन्स, यानी कि ये नंबर ऑफ अमेरिकन्स, ये प्लूरल है, इसको ए नंबर ऑफ अमेरिकन कह सकते हो, ए लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन कह सकते हो, या लार्ज नंबर, नंबर्स ऑफ अमेरिकन प्लूरल बनाने के लिए कर सकते हो। तो निगलने की इच्छा बहुत से अमेरिकी वासियों, ये लार्ज नंबर है ना, तो बहुत से अमेरिकी, अमेरिकी वासियों, या बहुत से अमेरिका के लोग, बहुत से अमेरिकी वासियों, वासियों को पा सकते हो, पा सकते हो, ठीक है। चूंकि माइट मीन सकता था, सकती थी, सकते थे, लेकिन आप इसको सकता है, सकती है, सकते ही भी बोल सकते हो। अब देखो अर्थ कैसे निकला, फिर भी तुम स्वास्थ्य के नाम पर दूसरी जड़ी बूटियों, ये दूसरी या दूसरे कुछ भी हो सकता है, दूसरी जड़ी बूटी के संयोजनों, जड़ी बूटी के संयोजनों लिख सकते हो, काकी के तो आप बढ़ा ही सकते हो, या चूर्ण लहसुन के कैप्सूल को निगलने की इच्छा बहुत से अमेरिकी वासियों में, ऐसे लिख दो, में पा सकते हो। चूंकि लहसुन का गार्लैंड नेकलेस तो लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों में उस लहसुन के चूर्ण को निगलने की, चूर्ण को खाने की अब भी इच्छा है, कि ये हमें बीमारियों से दूर रख सकता है। कहता है कि ट्रांसलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो आप बोर्डम फील करोगे, इसलिए मैंने यहीं पर रोक लगा दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन, जब आप कहोगे ट्रांसलेशन लेके आएंगे, लेकिन ट्रांसलेशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखो, और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी लिखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।